अमरनाथ गुफा के पास ही क्यों फटा बादल, बादल फटने के पीछे की पूरी कहानी वैज्ञानिकों ने बताई बड़ी वजह। स्थानीय स्तर पर बना अत्यधिक बादल, एक घंटे में हुई 28 मिलीमीटर बारिश, फिर आ सकता है सैलाब। बादल फटना यानी एक जगह पर अचानक एक साथ भारी बारिश होना, ऐसा अक्सर पहाड़ों पर होता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पानी से भरे किसी गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो सारा पानी एक ही जगह तेजी से नीचे गिरने लगता है। ठीक वैसे ही बादल फटने से पानी से भरे बादल की बूंदे तेजी से अचानक गिरने लगती हैं। ऐसे बादलों को प्रेग्नेंट बादल भी कहा जाता है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना का मौसम वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर के पास मौतें और विनाश की वजह स्थानीय स्तर पर होने वाली अत्यधिक बारिश है। शुक्रवार की शाम 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच मंदिर में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। श्रीनगर में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ये केवल पवित्र गुफा के ऊपर एक अत्यधिक स्थानीयकृत बादल था। इस साल की शुरुआत में भी ऐसी बारिश हुई थी, कोई अचानक बाढ़ नहीं आई। वैज्ञानिकों के विश्लेषण में ये भी बात सामने आई है कि अमरनाथ गुफा मंदिर के ऊपर के क्षेत्र में शाम 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच 28 मिलीमीटर बारिश हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमरनाथ गुफा मंदिर के पास पहाड़ के ऊंचे इलाकों में भीषण बारिश की आशंका अभी भी बनी हुई है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार की शाम को बादल फटने की वजह से कम 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय गुफा के आसपास करीब 10,000 लोग मौजूद थे। बादल फटने की सूचना के बाद रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकालने लगी। हादसे का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं हुई हैं।